देश की दिग्गज ऑटो मेकर मारुति सुजुकी ने अपनी पॉपुलर हैचबैक कार मारुति वैगनर का लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया है। इससे कंपनी को इस त्योहार के सीजन में कार की सेल बढ़ने की उम्मीद है। मारुति वैगनर लिमिटेड एडिशन में कंपनी ने कई एडिशनल फीचर्स और इक्विपमेंट जोड़े हैं। नई मारुति वैगनर लिमिटेड एडिशन के इंटीरियर में भी कंपनी ने कई लेटेस्ट फीचर्स जोड़े हैं। इसमें स्टाइलिंग किट, स्पीकर के साथ डबल डिन ब्लूटूथ म्यूजिक सिस्टम जोड़े गए हैं। इसके साथ ही इस लिमिटेड एडिशन में आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर भी मिलता है। नए फीचर्स के अलावा कम में नए स्टाइल के सीट कवर लगे हैं, जिनमें ऑरेंज एक सेंस दिए गए हैं। सेंटर कंसोल और दो ट्रिम पर फॉक्स वुड की फिनिशिंग की गई है। साथ ही इसमें प्रीमियम कुशन सेट, बॉडी ग्राफिक्स और रियर स्पॉइलर भी मिलते हैं। इन सब के कारण स्टैंडर्ड वेरिएंट के मुकाबले कार का इंटीरियर काफी प्रीमियम और क्रेश लगता है। हालांकि मारुति वैगनर लिमिटेड एडिशन में मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें वही 998 सीसी 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा है, जो कि 67 bhp की पावर और 90 न्यूटन मीटर का टॉर्क जेनरेट करता है। ट्रांसमिशन के लिए इस इंजन में न स्पीड मैनुअल या AMT गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। बता दें कि मारुति वैगनर भारत की बेस्ट सेलिंग हैचबैक रही है। इसे भारत में बिकने वाली हैचबैक्स में से हमेशा ही टॉप 5 में जगह मिली है। मारुति वैगनर लिमिटेड एडिशन में दो एक्सेसरी किट का विकल्प मिलता है, जिसकी कीमत 15,490 या 25,490 रुपए है। मारुति वैगनर लिमिटेड एडिशन के अलावा अगले साल नई मारुति वैगनर को भी अगले साल लॉन्च किया जाना है। नई वैगनर एकदम नई डिजाइन पर बनी होगी, साथ ही इसमें कई न्यू जेन फीचर्स भी जोड़े जाएंगे। हालांकि मैकेनिकली उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, पर उसके इंजन को नए उत्सर्जन नियमों के हिसाब से ही डिवेलप किया जाएगा। इसके अलावा 2020 तक मारुति वैगनर का इलेक्ट्रिक वर्जन भी बाजार में उतारा जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब कार बाइक चैनल। थैंक यू।